नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री आपको बताऊंगा आपका आज के दिन का पूरा हाल, यानी कि आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आज दिनांक 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार है। आज के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। आज के दिन देख लेते हैं आज की ग्रह स्थिति कैसी है। मित्रों, आज गुरु रहेंगे मेष राशि में, चंद्र रहेंगे वृषभ राशि में, केतु रहेंगे कन्या राशि में, शुक्र मंगल व बुध रहेंगे धनु राशि में, सूर्य रहेंगे मकर राशि में और शनि रहेंगे कुंभ राशि में और राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। एक नज़र डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज नक्षत्र मृगशिरा है, तिथि शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, करण भव है, योग ब्रह्मा है, सूर्य गोचर कर रहे हैं मकर राशि में और चंद्र गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल रहेगा सवेरे के 8:30 से 9:53 तक। राहु काल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 1:02 से 1:26 तक। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी ऐसा शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं जिससे हमको लंबे समय तक लाभ लेना हो। दिशाशूल पूर्व की तरफ रहेगा, इसलिए पूर्व की तरफ यात्रा करने से हम लोगों को बचना चाहिए। अगर मजबूरी है पूर्व की तरफ यात्रा करनी ही है तो आईने में अपना चेहरा देखकर हम लोग लंबी दूरी की यात्रा को कर सकते हैं। मित्रों, राशिफल प्रारंभ करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। आज आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है, या देखा जाए तो ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करना है जिससे आपके मान सम्मान को कोई भी खतरा पहुंचे। फिजूल खर्ची से भी आपको दूर रहना है। किसी के साथ वाद विवाद में आज नहीं पड़ना है, अन्यथा मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल रुक जाएं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। वाणी पर संयम रखें, अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। इसको और अनुकूल अगर आपको बनाना है तो आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9, शुभ रंग आपके लिए रहेगा लाल। वृषभ राशि, भाग्य आपका खूब साथ देगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें जैसी आपकी इच्छा है वैसा आपको फल प्राप्त होगा। सुख सुविधाओं पर आपका कुछ खर्चा आज हो सकता है, आपको ये खर्चा करके खुशी होगी। आपकी किसी पुराने मित्र के साथ मुलाकात हो सकती है या फ़ोन पर बात हो सकती है। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं या मौज मस्ती के लिए कहीं पर आउटिंग पे जा सकते हैं। दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ या अपने ऑफिस के लोगों के साथ भी आज आप घूमने फिरने कहीं जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए 90% अनुकूल है। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 6 और शुभ रंग आपके लिए रहेगा गुलाबी। मिथुन राशि, आपको आज थोड़ा ऑकल्ट के बारे में जानने की इच्छा प्राप्त होगी। ज्योतिष में भी मन लग सकता है या कोई पैरानॉर्मल साइंस है उसमें भी आज आपका कुछ मन लग सकता है। धार्मिक कार्यों पर आपका कुछ खर्चा हो सकता है। आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाएंगे उसमें भी थोड़ा खर्चा हो सकता है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप विलासिता के किसी वस्तु पर या विलासिता की किसी कार्य पर अपना पैसा खर्चा ना करें, अन्यथा बाद में आपको लगेगा कि ये फिजूल खर्ची हुई। माता पिता को तीर्थ यात्रा पर जरूर ले जाएं, उससे आपको शांति मिलेगी। आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जैसे आपके पिता के बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, उसमें कुछ झगड़ा हो सकता है जिसको लेकर के आपके घर में भी थोड़ी बहुत अशांति हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज के दिन आपके लिए 60% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आपको बनाना है तो आज आपको 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए रहेगा हरा। कर्क राशि, आज आपको विपरीत लिंग के व्यक्तियों से सावधान रहना है। आपको इमोशनल करके कोई गलत कार्य आज कराया जा सकता है। आप सुने सबकी लेकिन करें मन की। आपको कोई काम गलत लग रहा है तो उसे बिल्कुल भी ना करें। आप साफ साफ बोलकर भी मना कर सकते हैं या आप घुमा फिरा कर भी उनको मना कर सकते हैं, अगर आपके संबंध अच्छे रखना चाहते हैं तो।
घर के लोगों के साथ कुछ वाद विवाद होने की संभावना बन रही है, तो इस तरह की किसी भी परिस्थिति को आज आपको टालने की ज़रूरत है। आपका कोई फ्रेंड आपको आज अपने घर बुला सकता है डिनर पे या लंच के लिए। आपको अपने किसी विरोधी की कोई गुप्त बात पता चल सकती है आपको, लेकिन उस बात को गुप्त ही रखना है, आपको उसे उजागर नहीं करना है, अन्यथा आपके बारे में कोई गलत बात फैल सकती है या आपके बारे में लोग गलत सोच सकते हैं। आपके पास कोई सूचना है उसका सही समय का इंतजार करिए, सही समय पर उसको यूज़ करिए। आज का दिन आपके लिए 65% अनुकूल है, इसको अगर और अनुकूल आपको बनाना है तो आज आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए रहेगा क्रीम। सिंह राशि, आज आपको अपनी जो योजनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा गहराई से सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका आज विचार हो सकता है किसी यात्रा के बारे में, माता पिता को कुछ देना है या उनसे कुछ लेना है उसके बारे में, आप कोई मकान खरीदना चाहते थे या कोई मकान बेचना चाह रहे थे उसके बारे में आज कुछ विचार विमर्श हो सकता है। कोई काम आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसके बाद क्या लाभ होंगे क्या हानि होगी ये सब सोचने में आज का दिन खराब हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य के बारे में चिंता का कुछ विषय हो सकता है या पिता की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर के कुछ आज विवाद हो सकता है। बड़े भाई का कुछ नुकसान हो सकता है या आपके किसी मित्र का कोई नुकसान हो सकता है, उसमें आपको उनकी आज मदद करनी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। आज का दिन आपके लिए 75% अनुकूल है, इसको अगर और अनुकूल आपको बनाना है तो आज मंदिर में पीले फलों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए रहेगा नारंगी। कन्या राशि, कुछ पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं, घर के कुछ पुराने बुजुर्ग लोग हैं जिनकी कुछ यादें आपके मन में हैं उसको लेकर आज परिवार के लोगों में डिस्कशन हो सकता है। विदेश में रहने वाले किसी दूर के रिश्तेदार से या अपने किसी दोस्त के साथ आपकी कुछ बातचीत हो सकती है या वीडियो कॉल हो सकती है, उनके बारे में भी आज डिस्कशन करा जाएगा। आज हो सकता है आप कहीं दूर की यात्रा के बारे में विचार विमर्श करें, कोई प्लानिंग करें। आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपको न्यूट्रल होकर सोचना पड़े कि क्या सही है क्या गलत है, आप सही डिसीजन लीजिए। हायर एजुकेशन के बारे में भी आज कुछ सोच समझ के कुछ डिसीजन लिया जा सकता है या आज कुछ प्लानिंग करी जा सकती है हायर एजुकेशन के बारे में। आज के दिन आपके लिए 70% अनुकूल है, इसको अगर और अनुकूल आपको बनाना है तो आपको आज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए रहेगा हरा। तुला राशि, ऐसा कोई भी कार्य करने से आपको बचना चाहिए जिसमें अपमान का खतरा हो। आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं उसके लिए आप रिस्क ले लीजिए, लेकिन अगर आप किसी गलत काम के लिए रिस्क लेंगे तो आपका फंसना ऑलमोस्ट निश्चित है। पड़ोसी के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ आपको ना चाहते हुए भी कुछ समय गुजारना पड़ सकता है और इसको लेकर अपने घर परिवार में भी आपका कुछ कलेश का वातावरण आज हो सकता है। इस तरह की किसी भी परिस्थिति से, तनाव वाली स्थितियों से आपको थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आज किसी भी तरीके के झगड़े में, किसी के आपसी रिश्तों में अगर कुछ खटास चल रही है तो उनके बीच में जाकर के उनका सुलझाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की परिस्थितियों से जितना दूर रहेंगे, विवाद वाली परिस्थितियों से जितना दूर रहेंगे, आपका दिन आज उतना ही ठीक रहेगा। आज के दिन आपके लिए 50% अनुकूल है, शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए मजेंटा है। अगर आपको अपना दिन और अच्छा करना है तो आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। वृश्चिक राशि, आपका पूरा फोकस अपने बिजनेस पे या जॉब पे रहेगा। अपोजिट जेंडर के साथ आपका कुछ अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है, आपको कुछ लाभदायक सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं या कोई लाभदायक आपको ऑफर मिल सकता है। आप दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी प्रेरणा का कारण बनेंगे, आपके सुखों में वृद्धि होगी। साझेदारी का आप कोई बिजनेस करना चाह रहे थे तो आप थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनसे आपको थोड़ा सा धोखा मिलने की संभावना बन रही है। सावधान रहने से सब ठीक रहेगा। आज आपको किसी की राय नहीं लेनी है, आपको अपने हिसाब से काम करना है, आपके सारे काम ठीक होंगे। आज का दिन आपके लिए 80% अनुकूल है, शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए है गेरुआ। धनु राशि, सुख सिद्धाओं के साधनों में आपकी वृद्धि होगी। आपके जो मुश्किल काम थे, आपको लग रहा था बहुत मुश्किल है, वो भी आज आसानी से हल हो जाएंगे। आपकी जो समस्याएं चली आ रही थी उनके आपको समाधान प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। आप कोई प्लान बनाकर कोई काम करेंगे तो वो प्लान फेल हो सकता है, आप समय की धारा के साथ चलें, जैसे हो रहा है वैसे करते रहें, आपके सारे काम पूरे होंगे। आपको कुछ ट्रिक्स पता चलेंगे अपने अपोनेंट्स को हराने की, उनको उनकी कुछ कमियां आपको पता चल सकती हैं। आपको कुछ सीजनल बीमारियां होती हुई लग रही हैं तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आज का दिन आपके लिए 85% अनुकूल है, शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए
पीला है। मकर राशि, आपके बनते हुए काम आज बिगड़ सकते हैं अगर आप ठीक से प्लानिंग नहीं करेंगे तो। शुभ काम हो सके तो थोड़ा सा टाल दें क्योंकि अभी समय ठीक नहीं है। कुछ बिना बात की चिंताओं से मन खराब हो सकता है। इन चिंताओं को कोई कारण नहीं होगा लेकिन आपका मन आज खराब हो सकता है। आर्थिक लाभ आपको जरूर होगा लेकिन अशांति आपके मन में आज बनी रहेगी। कुछ बिना बात की यात्राएं हो सकती हैं जिनका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। परिजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ या कोवर्कर्स के साथ आपको कुछ विवाद हो सकता है। इन सब परिस्थितियों को टालने की ज़रूरत है। आज का दिन आपके लिए 63% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आपको बनाना है तो आज गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। कुंभ राशि, यात्राएं आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं रहेंगी। फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही हो सकता है, तो इसलिए अगर हो सके तो यात्रा को टाल दें। दूसरों के झगड़े में ना पड़ें। रेफरी बनने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मानसिक अशांति का सामना करना पड़ेगा और कुछ बिना बात के आपको बदनामी भी मिल सकती है। घर की चिंता हो सकती है, कुछ नौकरी की चिंता हो सकती है, मन भी थोड़ा सा अशांत रह सकता है। आप कोशिश करें कि योग करें, प्राणायाम करें और जितना हो सके तनाव वाली स्थितियों से बचने की कोशिश करें। कामकाज में बाधाएं आ रही हैं तो अपना मन काम में लगाएं, उनको ठीक करें, आपका दिन आज ठीक रहेगा। इसके अलावा आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आप कोशिश करें कि आप कर्मचारियों पर या अपने घर के लोगों पर अपना फ्रस्ट्रेशन ना निकालें। घर की टेंशन घर में रखें, ऑफिस की टेंशन ऑफिस में। आज का दिन आपके लिए 55% अनुकूल है। इसको अगर और अनुकूल आपको बनाना है तो आज आपको माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला है। मीन राशि, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें आपको सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। पूरा दिन आपका शांति के साथ बीतेगा। आज आप दूसरों की मदद करेंगे और आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपकी वेल्थ बढ़ेगी, कुछ सुख सुविधाओं के साधन में आपकी वृद्धि होगी। आज आप जो भी योजनाएं शुरू करेंगे उनके लाभ आपको भविष्य में जरूर मिलेंगे। छोटी यात्राएं आपने जो प्लान कर रखी हैं वो आप जरूर कर लें परिजनों के साथ, क्योंकि ये यात्राएं आपके लिए सुखद व लाभप्रद रहेंगी। आज के दिन आपके लिए 85% अनुकूल है। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग बसंती है। मित्रों, ये था हमारा आज का राशिफल कार्यक्रम सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ उठा सकें। इस वीडियो में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माँ जगदम्बा।